टोटल इंटरनल क्या करना आपको, हु विल टेल मी व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कौन बताएगा क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? यू हैव डन इन 10th आल्सो एंड वी हैव डन इन क्लास 2 आल्सो. यस, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डू यू रिमेंबर मनकीरत? मनकीरत याद है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती थी? समृद्धि, डू यू रिमेंबर? यस समृद्धि, किसी को नहीं याद? When a ray of light travels from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle, then it is reflected back into the same medium. This is called total internal reflection. याद नहीं आ रहा? ठीक है? तो TIR क्या होती है? A diamond shines so brilliantly, mirage. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम एज इफ इट इज रिफ्लेक्टेड. सो दैट्स व्हाई दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कौन बताएगा इसमें रिलेशन क्या होता है बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम? यस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम? यस हरिया बताइए. तुषार, डू यू रिमेंबर? आई थिंक यू रिमेंबर. Sin C equal to 1 by mu. Yes, very good. Mu equal to 1 upon sin C. ठीक है, ये था. चलिए अब हम view field of fish use करेंगे concept इसी के लिए. But एक बार मुझे ये बता दीजिए what is critical angle. Who will tell me what is critical angle? In case of TIR only, total internal reflection only, what is critical angle? चलिए नहीं यार, क्रिटिकल एंगल ये देखो क्या होता है कि अगर ये आपका वाटर है सपोज, ठीक है, यू आर टेकिंग डेंसर मीडियम, दिस इज एयर रेयरर मीडियम, तो रे ट्रेवल कर रही है इस एंगल पे, सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस for which refracted ray goes along the interface separating two media. It is the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. That is called critical angle. अब याद आया होगा आपको, ठीक है? So what is critical angle C? It is the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. ठीक है? चलिए अब हम इसी concept को use करके view field of a fish निकालते हैं कि सपोज देर इज अ फिश इन साइड अ पॉन्ड ऑफ वॉटर, तो उसको आउटर वर्ल्ड जो है वो किस शेप का लगता होगा? एनी गेसेस? एक फिश है इन साइड वॉटर, उसको आउटर जो व्यू है, फील्ड है, वर्ल्ड है, वो किस शेप का नजर आता होगा? या फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बल्ब इन साइड वॉटर, उसकी लाइट आपको कौन से एरिया में नजर आएगी? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, कैसी शेप होगी? कौन बताएगा? इट इज सर्कुलर. यस, इट इज सर्कुलर. तो व्यू फील्ड ऑफ अ फिश इज सर्कुलर. वी आर गोइंग टू फाइंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल. ठीक है, लेट अस फाइंड. तो दिस इज अ पॉन्ड ऑफ वॉटर. There is a fish inside it. ठीक है, एक fish है इसके अंदर और depth है इसकी h from the surface of water. अब fish से बहुत सारी rays बाहर जा रही हैं,
we consider one ray which is going outside at an angle C. ये भी C पे critical angle पे जा रही है. तो ये ray जो है refracted ray must be going along the interface. रिफ्रैक्टेड रे इधर जा रही होगी तो यहाँ तो लाइट जा रही है. तो ये जो फिश है इसको जो आउटर वर्ल्ड है वो इस सर्कल का नजर आ रहा होगा. यहाँ तो लाइट जा रही है, इस रीजन का उसको आउटर फील्ड नजर आ रहा होगा. सो दिस इज द सर्कुलर एरिया इन विच द फिश कैन सी आउट आउटसाइड. वी आर गोइंग टू फाइंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल. ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं इसको. अब if mu is refractive index of this medium, we can write mu is 1 by sin c. So sin c is 1 by mu. From total internal reflection, we have mu is equal to 1 by sin c. Now if this is c, this is also alternate angle c. So consider this triangle. Suppose ये O है, ये B point, A point है, ये B point है. So in this right angle triangle OAB, let us find tan C. Let us see what is tangent of C. Tan is perpendicular AB over base OB OA. AB over OA. Now what is AB? This is R, and what is OA? This is depth H. Our tan C ko we can write sin C over cos C, because tan C ki value to hai hi nahi hamare paas. So let us write tan C as sin C over cos C. Ab chahiye hume H. So take H on that side. R will be sin C over cos C into H. See, you can write sin c using the identity 1 minus cos square c, sin square c, because sin square plus cos square theta, that is equal to 1. So using this identity you can write cos c equal to under root 1 minus sin square c. Ye step samajh mein aaya ki nahi aaya, main kar dun alag se. Yes, tell me if this step is clear to you or not. बोलो बच्चे, ये स्टेप क्लियर है कि मैं बता दूं आपको कि cos c को हमने अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर c क्यों लिखा? बिकॉज़ वी हैव यूज्ड दिस आइडेंटिटी sin स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c इक्वल टू 1. हमने ये आइडेंटिटी यूज की है यहाँ. ठीक है, चलिए अब sin c की वैल्यू है आपके पास 1 बाय म्यू. वी कैन पुट हियर द वैल्यूज एंड सॉल्व. 1 बाय म्यू, 1 by mu square under root, ठीक है, 1 by mu under root mu square minus 1 over under root mu square, that is also mu. Mu mu gets cancelled. चलिए solve करिए इसको. Solve this. क्या आ रहा है आपका formula? So this is R is equal to H over under root mu square minus 1. This is the radius of that circular portion, and we can also find the area of that circle using pi R square. Okay, so learn this formula directly. We can use, there is a question in the exercise as well where we can use it directly. R is equal to H over under root mu square minus 1, where mu is the refractive index of denser medium. देख लीजिए ध्यान से ये आर्टिकल. नेक्स्ट राइट वन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट डाउन. अ कॉम्पोजिट लेंस इज मेड, अ कॉम्पोजिट लेंस इज मेड बाय यूजिंग मटेरियल्स, टू डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. A composite lens is made up of two materials of different refractive indices. ये composite lens है, convex lens है, that is made up of materials of two different refractive indices. How many images of an object will it make?
आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट विल मेक. यस टेल मी द आंसर, कितनी इमेजेस बनाएगा ये वाला लेंस? टू. यस टू. व्हाई टू? बिकॉज़ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिफरेंट डेंसिटीज वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यस तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला से ये बता सकते हो कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो वन फोकल लेंथ एंड अकॉर्डिंगली वन इमेज विल बी फॉर्म्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो टू इमेजेस इट विल फॉर्म, राइट? एक और क्वेश्चन लिखिए. अब अरे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6,000 एंगस्ट्रॉम, अरे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6,000 एंगस्ट्रॉम एंटर्स वाटर फ्रॉम द एयर, एंटर्स वाटर फ्रॉम द एयर What will be the effect on its speed, frequency and wavelength? What will be the effect on speed, frequency and wavelength of light? What will be the effect on speed, frequency and wavelength of light? यस वेवलेंथ है एयर में 6,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? हमें उसकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी पता है, 3 × 10⁸. सो लेट अस फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर फर्स्ट. ये एयर के पर्टिकुलर लिख रहे हैं. वेवलेंथ इज गिवन, स्पीड वी नो लाइट की, और फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट यूजिंग सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू. So nu is c by lambda, 3 × 10⁸, 6,000 angstrom is 10⁻¹⁰ meter. करिए solve, कितनी होगी frequency? How much is this frequency? ये आ गई फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁴ हर्ट्ज़. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? से यस और नो. ओके सो ये एयर में है. अब हमें वाटर में तीनों चीजें निकालनी है. एनी आइडिया? कोई चीज बता सकते हो तीनों में से? वाटर में क्या इफेक्ट होगा फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ से इन वाटर नाउ? यस, हु कैन टेल एनी ऑफ द थ्री इन वाटर? बोलो. अरे स्पीड तो आप निकाल ही सकते हो ना, यूजिंग म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी. So V is equal to C by mu, 3 × 10⁸, and water का refractive index 4/3, ठीक है, 2.25 × 10⁸ meter per second. ये तो आपको वैसे ही याद होगी कि light की speed water में कितनी होती है, that is 2.25 × 10⁸ meter per second. So speed will decrease. पहले air में कितनी थी 3 × 10⁸, water में होगी 2.25 × 10⁸. So speed decreases in water. Speed तो हो गई, हमने comment कर दिया. Any idea about frequency? Frequency पे क्या effect होता है? Wavelength पे क्या effect होता है? चलिए आप try करिए, 2 मिनट में try करके देखिए. Hurry up, try yourself. करिए try.
वेवलेंथ कैलकुलेट की किसी ने? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, उसका आंसर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल नॉट चेंज व्हेन द मीडियम विल चेंज. तो वाटर में भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी, 5 × 10⁴ होगी. अब वेवलेंथ के लिए क्या करोगे? वेवलेंथ के लिए अब आप सी वी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू यूज करके निकाल तो सकते हो, बट अदरवाइज ऑल्सो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट. लेट अस डू अ स्मॉल आर्टिकल कि वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होता है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सो सी द इफेक्ट ऑन वेवलेंथ. इन एयर वी कैन राइट लैम्डा इज सी बाय न्यू, ठीक है. इन वाटर we can write lambda dash, or in place of c the speed is in a medium is v, and frequency we have said that frequency doesn't change, frequency remains the same. Divide the two equations, lambda dash over lambda is v by nu v by c. Now we know that nu is equal to c by v. So what is v by c? That is 1 by mu. Okay, this is 1 by mu. Lambda dash by lambda. So take lambda on that side. Lambda dash is lambda by mu. So ye note kar lijiye chhota sa article that shows that wavelength of light decreases in a medium. So jab medium change hota hai, to wavelength also decreases by a factor of refractive index. Speed already decreases by a factor of refractive index. So when it will enter a denser medium, wavelength of light will decrease. Or kitna decrease hoga? By a factor of refractive index. So let us apply it here. So our wavelength is 6000 over 4 by 3 angstrom. Okay? 6000 into 3 by 4. 4500. So our new wavelength, and that is also less. So it shows that wavelength also decreases. Pehle air mein kitni thi? 6000 angstrom. Water mein kitni hogi? 4500 angstrom. So wavelength of light also decreases. Speed of light also decreases. Frequency remains the same. Is it clear? Koi doubt isme? Chaliye ab hum NCERT questions start karte hain. I am going to share the exercise of ray optics with you. ठीक है, if you don't have the book even then it's fine. Let us chapter खत्म हो गया. हाँ जी, ray optics खत्म हो गया. ठीक है, ray optics is over. Before we do the exercise, let me show you certain thing. ये एक simulator है, देखिए. ये रे ऑफ लाइट लेजर लाइट है, इट इज फॉलिंग एंड वी कैन चेंज द एंगल्स. ओके, एंड यू हैव अ लुक एट रिफ्रैक्टेड रे, हैव अ लुक एट द रिफ्रैक्टेड रे फर्स्ट. ओके, सो व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, नाउ वी हैव चोजन वॉटर हियर of refractive index 1.32. If I increase the refractive index, have a look at the refracted ray. It shifts towards the normal. Ye glass ke liye dekho, it bends towards the normal more and more because speed of light decreases in a denser medium. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि इसको वाटर, ऊपर वाले मीडियम को वाटर कर देते हैं और इसको एयर कर देते हैं, चेंज कर दिए. ठीक है, सो सी हाउ इट हैपेंस. कुछ रे रिफ्लेक्ट होती है, कुछ ट्रांसमिट भी होती है. दिस इज हाउ यू कैन ट्राई डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन. सो दिस इज जस्ट लाइट सिमुलेटर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द एक्सरसाइज विद यू. Yes. Is the exercise visible to you? Visible?
बच्चे विजिबल है नहीं विजिबल? ओके ठीक है. यस मैम विजिबल. ओके फर्स्ट क्वेश्चन 9.1. ये तो आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है, 2 मिनट्स में कर लोगे आप. चलिए जल्दी से बताइए. अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, सो दिस इज H1. H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो लिखिए H1 इज प्लस 2.5 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लिखिए दिस इज U गिवन. U इज -27 सेंटीमीटर. कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, सो दिस इज R -36 सेंटीमीटर. हाउ मच विल बी फोकल लेंथ? R by 2, half of this. So F is -18 centimeter. Okay, this is a concave mirror. Focal length is negative. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? So हमें V निकालना है, distance of image, and describe the nature and size of magnification भी निकाल लेंगे, size का उसका nature भी पता लग जाएगा. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? So screen would also have to be moved away from the mirror. तो वो हम देखेंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं इमेज दूर होनी शुरू हो जाती है. पहले फोकस से स्टार्ट होती है, फोकस, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट सी, फिर बियॉन्ड सी, फिर इंफिनिटी. तो वी हैव टू मूव द स्क्रीन ऑल्सो अवे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द 6 केसेस वी कैन जस्ट आंसर दिस लास्ट पार्ट. नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट मी नोट डाउन द वैल्यूज फर्स्ट. आप करिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए. यू हैव टू यूज ओनली मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द मिरर. सो यू इज -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज -18 सेंटीमीटर बिकॉज आई हैव यूज्ड एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 एंड आर इज -36, सो दैट इज व्हाई फोकल लेंथ इज -18 सेंटीमीटर. What is the height? 2.5 centimeter. ठीक है, बस यही data हमें चाहिए था. चलिए. So 2.5 centimeter. These things are given to us. हमने height, size of image निकालना है, distance of image, nature of image के लिए magnification निकालना है. ठीक है, तो जल्दी से इसको करो solve. 1 over f is 1 over u plus 1 over v, mirror formula. So 1 by V is 1 by F minus 1 by U. Put in the value, minus minus plus हो जाएगा. So V कितना आ गया? Minus 54 centimeter. Solve करके check करो. V is minus 54 centimeter. आपका focus जो है वो 18 पे है. C जो है वो 36 पे है. U आपका कहाँ पे है? Between C and F. So ये कौन सा case है? बिटवीन सी एंड एफ वाला केस. तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, 36 से ज्यादा आएगा भी. यस 54 सेंटीमीटर आ रहा है ऑन द सेम साइज साइड. ठीक है, 10th में तो ऐसे बहुत क्वेश्चन किए थे, 2 मिनट लगेंगे. चलिए एच टू निकालो और मैग्निफिकेशन निकालो. मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू फॉर मिरर. सो मैग्निफिकेशन इज -2. नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल इन्वर्टेड. And value of magnification 2 greater than 1 shows that the image is magnified. So nature of image is real, inverted and magnified image. अब magnification का दूसरा formula लगाओ. H2 upon H1. H1 is 2.5. So H2 is -5 centimeter. Image is magnified and it is negative. That means it is formed below the principal axis. Image is inverted. ठीक है? तो ये मिरर्स वाला क्वेश्चन, ये तो आपको बहुत प्रैक्टिस है, 10th में आपने किए हुए हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, 9.1. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? हैव यू नोटेड? कोई डाउट है तो पूछ लो. फाइन, देख लीजिए कोई डाउट है तो. लेट मी नोट योर अटेंडेंस.
चलिए आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये भी ये आप कन्वेक्स मिरर का है. दिस क्वेश्चन वाज ऑफ कनकेव मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कन्वेक्स मिरर. अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल. एच वन लिखिए यहाँ पे. एच वन कितना है? प्लस 4.5. यू कितना है? माइनस 12 सेंटीमीटर. कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. हियर एफ इज पॉजिटिव. गिव द लोकेशन ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन. व्हाट हैपेंस व्हेन द नीडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर. ये सब आप बता सकते हो. चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. U है 12 और H1 है 4.5. फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर. सो लेट अस डू दिस इन अ मिनट. कन्वेक्स मिरर 4.5, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और U कितना है? U कितना था? ट्वेल्व सेंटीमीटर. यू इज माइनस 12 सेंटीमीटर. चलो पुट इन द वैल्यूज. 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/12. वी निकालो कितना. ये आपका वी आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर आपको पता है कि राइट साइड पे इमेज बनाएगा, तो वी विल बी पॉजिटिव. Can you tell me what is the value of V? Yes, students, V की value क्या है? जल्दी से LCM लेके solve करो and tell me. सिक्सटी आ गया ना आपका LCM. ठीक है, 60/9 ये पॉजिटिव वी आ गया आपका. लेट अस कैलकुलेट मैग्निफिकेशन. माइनस वी बाई यू. फाइव बाय नाइन. सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. And it is 0. Something. It is less than 1. That means it is diminished. So nature of image is virtual, erect, and diminished. Now we can find size of image. M is H2 over H1. H2 is 5/9 H1, and H1 is 4.5. Okay, 2.5. So size of image is less than that of object. Object ka size tha 4.5 centimeter. Image ka size hai 2.5 centimeter. So have a look at this question. If any doubt is there, you can ask. Ye regular questions hain jo aap karte ho. Theek hai? Magnification agar minus mein hai, to kya matlab hota hai uska? मैग्निफिकेशन नेगेटिव मींस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. मींस इन्वर्टेड है वो, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. प्लस का मतलब इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट मींस वर्चुअल. ठीक है, सो मैग्निफिकेशन नेगेटिव मींस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. पॉजिटिव मींस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखें. ओके, सी थर्ड क्वेश्चन 9.3. A tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. This is real depth. Note कर लीजिए D. 12.5 centimeter, small d. Apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 centimeter. This is apparent depth. ठीक है, 9.4 centimeter. So real depth, apparent depth are given. What is refractive index of water? You know the formula of refractive index. रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ. ये आ जाएगा आपका आंसर. इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन. अब वाटर की जगह कोई और लिक्विड फिल कर दिया,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है टू द सेम हाइट. तो बाय व्हाट डिस्टेंस माइक्रोस्कोप हैज टू बी मूव्ड मींस व्हाट विल बी द नॉर्मल शिफ्ट एक्स. तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू डी इंटू 1 - 1 ओवर वी. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू स्मॉल डी रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 ओवर वी. उससे आप निकाल सकते हो, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है और यह हो जाएगा. एक्सरसाइज में देर आर वेरी गुड क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज इन्वॉल्विंग डिफरेंट फॉर्मूला. सो वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज टुमारो, राइट? कीप योर बुक्स क्लोज टू यू. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे.